हेलो दोस्तों, आज फिर से हमारे नई वीडियो के साथ स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि अगर आपकी रैली बढ़ती है तो आप रैली बढ़ती के अंदर कैसे दौड़ पाड़े और कैसी दौड़ होगी, कितना टाइम दिया जा रहा है और आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। तो वीडियो को आगे तक जरूर देखते रहना। तो आप रैली भर्ती में जा रहे हो तो शुरुआत में आपको सबसे पहले एडमिट कार्ड व आधार कार्ड व फोटो से आपकी इंटरव्यू हो जाएगी। उसके बाद आपको 100 मीटर की रनिंग करवाई जाएगी। उसके बाद आपको 1600 मीटर के लिए बिठा लिया जाएगा। दोस्तों, 1600 मीटर पूरी रनिंग में आपका 150 का बैच बन रहा है, कहीं पर 200 का भी बन रहा है, कहीं पर 100 का भी बैच बन रहा है, पर अलग अलग जगह बैच बन रहा है 100, 200, 150। तो दोस्तों, उसके अंदर आपको लगभग 35-40 बंदे पकड़ रहे हैं। आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आप के बैच में ज़्यादा ही बंदे पकड़े जा सकते हैं। उसके बाद आपको रनिंग क्लियर होने के बाद आपको बैठा लिया जाएगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स के अनुसार आपको आगे भेजा जाएगा। उसके अंदर आपको हाइट मापी जाएगी, आपका चेस्ट मापा जाएगा। चेस्ट आपका 78 से 83 सेंटीमीटर मापा जाएगा, जिसके अंदर 78 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और उसके बाद फुलाने के बाद आपका 83 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। हाइट आपकी 69-70 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद आपका वेट मापा जाएगा, जिसके अंदर आपके हाइट के अनुसार वेट होगा, उसी प्रकार से आपको अंदर ले लिया जाएगा। उसके बाद आपके पास डिप्स निकलवाई जाएगी, उसमें 10 डिप्स निकलवानी होगी, वो नॉर्मल आप कर लोगे। और उसके बाद बीम निकलवाएंगे, जिसके अंदर भी 10 बीम निकलवाएंगे, 6 बीम निकाल दिए तो आप पास हो जाओगे। और 40 अंक पूरे चाहिए तो आपको 10 डिप्स पूरी निकालनी होगी। उसके बाद आपका मेडिकल चलेगा, मेडिकल में आपकी पूरी प्रोसेस चलेगी जो मैंने वीडियो डाल दिया था, और आगे मैं और वीडियो डाल दूंगा, आप देख लेना। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। आप इम्पोर्टेंट बात यह है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। उसके अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स, एक तो एडमिट कार्ड चाहिए जिसमें आप उसकी कॉपी करा के ले जाना, 5 कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद मूल निवास चाहिए, जिसके अंदर मूल निवास 5 कॉपी होनी चाहिए उसकी, और जाति प्रमाण पत्र उसके 5 कॉपी करा के ले जाना। 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए, उसके अंदर भी आप 5 5 कॉपी करा के ले जाना। उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा, जिसके अंदर दो दो फोटो आप लेके चले जाना, 2 फोटो लेके चले जाना। उसके बाद आपको फोटो चाहिए, अपनी व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो चाहिए, 15 फोटो ले जाना, व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो होनी चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड, आधार कार्ड में 5 फोटो कॉपी करा के ले जाना। उसके बाद कोविड 19 का 72 घंटे के अंदर अंदर का आपका कोविड टेस्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको नो रिस्क सर्टिफिकेट भी चाहिए, जो आप ईमित्र से बनवा लेना, और एफिडेविट सर्टिफिकेट भी चाहिए जो आप ईमित्र से बनवा लेना। दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, 10 11 11 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाना है। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल फिजिकल दौड़ सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको घर पे भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और इसी प्रकार आपको वीडियो मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।